से शाम तक कमाई कराने वाले स्टॉक जो पिछले महीने आपको दिया था और ब्रोकर प्राइस अपग्रेड इन लास्ट मंथ जो दिखाया था, ITC 10%, एक्सिस बैंक 6%, ब्रिटानिया 6% और इंडियन होटल्स 6% और इंडसइंड बैंक 6%। सभी को देखते हैं क्या ये दिखता है, वो हम आपको बता दें। ये बीच बीच में प्रचार आते रहता है। तो ये है दोस्तों, मैं बता दूं डिटेल्स की बात करें, जो एक्सिस बैंक पिछले दिन क्या हुआ था, तो ये पूरा डिटेल्स देख लीजिए। ये कहने का मतलब क्या दिखा रहे हैं हम आपको, ये बताना ज़रूरी है। आईटीसी एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल्स, इंडसइंड बैंक, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, JDS लाइफ साइंसेज, ये ग्रीन येलो ग्रीन और येलो रेड ग्रीन, उसके बाद लाइट ऑरेंज येलो एंड ग्रीन, JK लक्ष्मी सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, के बाद KEC इंटरनेशनल्स, JK लक्ष्मी सीमेंट के बाद प्रेसिस्टेंस सिस्टम्स, सीमेंस इंडिया लिमिटेड, वरुण बेवरेज, ABB इंडिया, अपोलो टायर्स एंड बजाज ऑटो, भारत फोर्ज, भारत पेट्रोलियम, JSW स्टील, लार्सन ट्यूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स। ये स्टॉक आप आज रडार पे जरूर रखेंगे। दूसरी तरफ हम आपको एक चीज़ बता दें, भारत फोर्ज के बारे में तो थोड़ा सा डिटेल्स जानना ज़रूरी है दोस्तों। भारत फोर्ज जो है लिमिटेड, ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है और ये जो है पिस्टल सेना के लिए, डिफेंस सेक्टर में पिस्टल्स, राइफल, ये सारे पूना में इसकी जो कंपनी है। और आपको मैं बता दूं, ये 1.7 मिलियन वैल्यूम था, ये पूरे आपको लास्ट टाइम देखें तो पिछले 17 फरवरी को, शुक्रवार को, लगभग 17 लाख वैल्यूम था भारत फोर्ज का, और आज ये रडार पे हमारे फिर रहेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं भारत फोर्ज आज का सुबह से शाम तक कमाई कर रहे हैं। भारत फोर्ज, HLBL, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प के साथ सीमेंस, बॉस एंड टाटा मोटर DBR एंड आइसर मोटर, सभी ऑटोमोबाइल सेक्टर आज कमाई करके देंगे। एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ राजा अमर राजा बैटरी भी। जी दोस्तों, तो याद कर लीजिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स और मेटल सेक्टर में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, नालको और हिंदुस्तान जिंक एंड हिंदुस्तान कॉपर इंडिया लिमिटेड के साथ सेल और टाटा स्टील भी।